मैं शूट पे गया हूँ झूठा ये झूठा झूठा मैं शूट पे गया हूँ झूठा ये झूठा झूठा कैसे झूठा देखो पांच मिनट सच्चाई है भाई हमें पता चला है पांच मिनट नहीं रहे रुके आप सच्चाई नहीं मैं रुका हूँ सच्चाई ये है कि मैं जेटलैग था जब मुझे नींद आई तो मैं होटल नहीं गया हूँ मैं सेट पे पीछे एक वैन थी जो खाली थी बस थी मैं वहां पे सोया हूँ जब शूटिंग खत्म हुई तो फिर बेचारी अपना शूट छोड़ के डर के मारे सब ढूंढ रहे हैं आपको कहाँ गया है हाँ वो मैं जिसको बताया था उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो पीछे सो रहा है लेकिन मैं सोया सेट पे मैं भागा नहीं मैं होटल नहीं गया था ये बात सच है ये आप कंफर्म कर सकते हो वापस और बोला फिर बंदा फिर पराग भी गया और सेम चीज हुआ कि आए मैं आपके लिए आया आपकी शूट देखूंगा ऑल सपोर्ट बंदा फिर आउट फिर सो गया प्राग में क्या सोया था मैं प्राग एक सेकंड प्राग में कब सोया मैं वहां अब वापस यार जेट लैग होगा तो वापस जाएगा ना आदमी अब शूट के टाइमिंग देखो मैं सीध मेरी एक चीज एक कमजोरी है लाइफ में वो है नींद ठीक है मेरी नींद कमजोरी है और जेट लैग हो तो भाई साहब मैं नहीं उठा जाता नो प्रॉब्लम मैं अगर उस टाइम का शूट है कि यार स्केड्यूल्स इतने डिफिकल्ट एक्टर्स के लिए वैसे ही होते हैं कि आप कभी दिन में शूट कर रहे हो कभी रात में शूट कर रहे हो अब मेरी किस्मत ऐसी कि दोनों बार जेट लैग में मैं वो रात को जो 6 बजे वाला होता है वो शिफ्ट में गया हूँ अब मैं क्या करूँ उसमें चलो ये तो मैंने मान लिया और आपको माफ भी कर दिया कि रात थी भूटान में आप दोनों जॉगिंग कर रहे हो किसी ने पीछे से आवाज दी विराट आपने अपने धर्मपत्नी को छोड़ के स्प्रिंट मार के भाग गए ये क्यों यार ये कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलवाई आपने ये तुमने कब बताया सर है अच्छा मुझे मुझे पूछा जा रहा है कि लाइव कब जा रहे हो शाबाश कुछ जैसे पता ही नहीं था कि लाइव में क्या हो रही हो रहा बहुत बढ़िया तो यार ये बीवी जी ने सारा सारा प्लानिंग कर लिया आपको भूटान ले गए एवरीथिंग इज वेल डन यू बोथ आर जॉगिंग एंजॉयिंग साइकिलिंग और व्हाटएवर पीछे से किसी ने आवाज दिया विराट आप आपको लगा कि पीछे किसी ने आवाज दिया विराट आपको लगा कौन आ गया आपने अपनी बीवी छोड़ के भाग गए अरे नहीं भाई वो यार ऐसी बातें मत करो यार क्या कर रहे हो यार यार तुमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है यार एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो यार आप एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो शी थॉट कि मैं घूम गया हूं शी थॉट आई एम लॉस्ट हुआ क्या वहां पे ना हम बड़ी डिस्क्रीटली गए थे तो वहां पे इंडियन टूरिस्ट बहुत आए हुए थे और जो हमारे गाइड थे वो पीछे अनुष्का के साथ बाइक के पास थे तो मैं बाइक पे था तो मैं थोड़ा आगे चला गया क्योंकि मैं मेरी बाइक तेज चल रही थी मतलब मैं चला रहा था अपने आप तो चलेगी नहीं मैं चला रहा था ठीक है अब हुआ क्या कि वहां पे ना भीड़ थी तो वहां भीड़ में किसी ने ऐसे मेरी तरफ देखा और किसी ने आवाज लगाई कि ये तो वो लग रहा है मुझे पता नहीं क्या सनक चढ़ी मैंने ऐसी स्पीड पे भगाई है साइकिल की मतलब रेस खत्म करनी है और मैं इतनी आगे पहुंच गया और मैं पीछे देख रहा हूँ यार ये तो आई नहीं रहे तो पीछे जो एक गाड़ी थी जो हमें जो कहीं पे भी रुको तो उन्होंने बोला जहां आप थक जाओगे गाड़ी में साइकिल डाल के हम वापस ले जाएंगे तो वो गाड़ी रुकी वो आ गई गाड़ी थी मैंने कहा मैडम कहाँ है बोलते वो तो पीछे फिर मैंने यू टर्न मारा मैं तो क्या कहा मैं तो बहुत आगे आ गया फिर वो पीछे से आ रही थी वहां पे अच्छा उसके बाद क्या नहीं बताया क्या क्या बताओ बताओ कुछ नहीं मैंने साइकिल चलाई पगल बगल में उन्हें रोकी नहीं अनुष्का ने मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरे को पता नहीं चला यार मैं आगे चला गया वो किसी ने आवाज लगाई थी वो ऐसे कर रही है बात नहीं कर रही नहीं जैसे जानती वो रोड पे नहीं आ जाते वो फालतू में बातें करने वो देख ही नहीं मेरे को शुक्र है सिक्योरिटी को नहीं बोला काम कर रहा है मुझे दूर करो अच्छी रिसर्च करिए आपने अभी तभी बोल रहे थे और नहीं बताऊंगा क्या पूछना है बहुत बढ़िया Well done. Champ, there's something that I want to tell you was, I've read so much about this in news and I also know from you in personal way that you give so much credit to Anushka for changing fair bit of things, important things in your life. Can you give us a lowdown on a pre-Anushka Virat as compared to a version post-Anushka? Can you tell us what are the, if you can, and I know it's a very personal thing, but whatever you can share, how
बिकॉज 2014 का आईपीएल व्हेन यू थॉट कि मैं बॉडी चेंज करूंगा, वो भी उसी टाइम पे था, अनुष्का कमिंग टू योर लाइफ भी 13-14 के टाइम पे था, सो ऑल दिस गुड ट्रांजिशन हैपेंड देन. व्हाट वुड यू से अबाउट विराट कोहली बिफोर अनुष्का एंड विराट कोहली आफ्टर अनुष्का? I would the reason why I say that when she came into my life, everything that was negative in me changed for good, is because pehli baat to I've always mentioned is that before I met her, I was very self-centered, very focused on ki mujhe kya karna hai, mujhe kya acha lagta hai, mujhe apna comfort zone bana ke rakhna hai. Comfort zone was a big thing, you know. जो चीजें मुझे पसंद है, जो मुझे खाना है, जो ये. When you meet a person that you love, you want to do things for the other person. You have to open up, you know. So, and the constant conversations we always had was, it is not only about thinking for yourself, it is about companionship. And that's something that she taught me when she came into my life. Main bahut self-centered tha usse pehle. I could not think beyond myself. That's why I keep saying that my life completely changed because I started looking at her. Here, what can I do for her? You know, you want to change for the person that you love, first and foremost. I think it takes a lot of courage for who you are, Virat, to say this, that so many good things happened and you were like this. And yeah, I mean, I because I know you personally, both of you, she is like that. And no, but it's important for people to understand that in our culture, in our society, women are not given credit. Women are not given enough credit. You know, in workplaces, women are not given enough credit. Aap kuch bhi baat karoge, to wo alag hi matlab nikalte hain. You know, they never give credit to the woman. So it's very important for people to know that you have to respect and you have to be full for a woman who's come into your life, who's changed your life for good. Usko aise nahi lena chahiye ki haan ye to hota hai life mein. You know, you meet a partner, you get married, haan yahi process of life ka. We never really sit down and say that, you know, I thank God with both my hands ki we found each other. Otherwise life could have been totally different. Yeah. And not enjoyable. It could have gone wrong. Yeah. Yeah, it could have exactly. What you said is spot on. It could have gone totally wrong. And we men need to stand up and say that it is because of our life partners that we get that knowledge, that we get that guidance. Otherwise, there is no chance. No, but it's also, you said, you also have to be a little bit lucky to get the right partner. And what I see between you and Anushka is something that I also see with me and my wife, because I've been together for 15 years and I understand what you're saying. When it clicks, when you know somebody who has all your interests and also helps you grow, it's amazing. Yeah, I agree. I totally agree with you. You know, talking about my wife, I'm not taking any questions right now, but her question I have to take. So she has a question for you, which is not amongst 10. Okay. So she says, tomorrow a biopic is made on Virat Kohli. And let's say Anushka the actor agrees to do the role of Anushka the wife. Would you act as Virat Kohli in your own movie? Because she thinks you will do a great job. With Anushka, I'll definitely do the biopic myself. Great. And she would be very happy. And I don't know many people who know about you, but you are immensely funny and you can act. And I don't know a lot of people that know about you. ये भी मैं गलत फहमी दूर कर देता हूँ. गलत फहमी है कि I can act. एक होता है, I can play football also. आप मुझे ISL खिला दो. हाँ या ना? बोलो, अभी बोलो मेरे को. नहीं. बिल्कुल ही निठल्ला आदमी हूँ मैं.